हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल द सेम प्लेस। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ उसका जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पर्सन आपको मिस कर रहे, क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपके बारे में, क्या वो आपको मिस कर रहे, बस यही टॉपिक है हमारा। सो एक जनरल रीडिंग है तो आप इसे जनरल तरीके से ही देखिए। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो ही आप इस रीडिंग को देखिए कि आपके जो पर्सन है वो आपको मिस कर रहे हैं या फिर आपको मिस नहीं कर रहे। सो आप किसी भी साइन के हैं आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे टू पायल्स लिए हुए हैं, एक ऑरेंज वाली है और एक ब्लू वाली है। तो आप कोई भी पायल सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी पायल आपको अट्रैक्ट कर रही हो, आपको मन कर रहा हो कि वाले पायल आपको सिलेक्ट करनी चाहिए, वाले पायल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड 2 मिनट्स का आइस क्लोज करके प्लीज़ मेडिटेट कर लीजिए, सो डैट आपकी जो रीडिंग है आपसे रेजोनेट हो जाए, आपकी जो एनर्जी है वो कार्ड्स में आ जाए। सो सबसे पहले मैं ऑरेंज पायल के लिए रीडिंग देख रही हूँ, जिन्होंने भी ऑरेंज पायल ली है, कि आपके जो पर्सन है वो आपको मिस कर रहे हैं, क्या एनर्जी आ रही है उनकी। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस इस चैनल को। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं, सो डैट मैं आपके लिए और भी रीडिंग्स लेकर आऊँ। सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सो डैट आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलते रहे इस चैनल का रीडिंग के लिए। ओके, एंड रीडिंग क्रॉस वॉचेस भी हो सकती है, सो डैट हो सकता है ये जो रीडिंग है आपके पर्सन के साथ रेजोनेट हो या फिर आपके साथ भी रेजोनेट हो सकती है। सो अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो ही आप इस रीडिंग को देखिए। ओके, सो ऑरेंज पायल के आपके जो पर्सन है वो आपको मिस कर रहे हैं। सो लेट्स सी, ऑरेंज पायल के आपके जो पर्सन है वो आपको मिस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। सबसे पहले किंग ऑफ सोच की एनर्जी मिल रही है, यानी कि मैं देख रही हूँ रिसेंटली हो सकता है आपके जो पर्सन है वो कोई डिसीजन लेना चाहते थे किसी बारे में, बहुत ज़्यादा उन्होंने प्लानिंग करी थी, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी किसी चीज़ के बारे में वो सोच रहे थे, सोच समझ के एक प्लानिंग बना रहे थे किसी चीज़ के लिए, स्टेप बाय स्टेप कि उन्हें ऐसा करना है, उन्हें फ्यूचर में इस तरीके से वर्क करना है किसी चीज़ के बारे में। मोस्टली जो मुझे एक सर्टेनिटी लग रही है, मुझे लग रही है कि वो रिलेशनशिप के लिए, आपके और उनके रिलेशनशिप के लिए वो एक बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है प्लानिंग बना रहे थे, मे बी कुछ डिसीजन लेना चाहते थे। हो सकता है आपको इस रिलेशनशिप में कोई कमिटमेंट देना चाहते हो, या फिर इस वक्त मैं कंटिन्यूसली देख रही हूँ आपके जो पर्सन है वो कंटिन्यूसली कोई प्लानिंग बना रहे, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, और मे बी बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम से मुझे आपके पर्सन की ऐसी एनर्जी मिल रही है कि वो एक डिसीजन लेना चाहते हैं, यानी कि कोई चीज़ डिसाइड करना चाहते हैं अपने इस रिलेशनशिप में। बट इस वक्त जो मुझे आपके पर्सन की करेंट फीलिंग मिल रही है, मुझे कुछ इस तरीके से मिल रही है, जिससे मतलब मालूम हो सकता है आपके जो पर्सन है वो किसी चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं, किसी चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा थिंकिंग करने की वजह से, बहुत ज़्यादा बार बार किसी चीज़ को सोचने की वजह से उनका जो मन है वो किसी चीज़ में नहीं लग रहा है, एक तरीके से स्टक पोजीशन में एक ही चीज़ के बारे में वो कंटिन्यूसली सोच रहे हैं, लगातार सोच रहे हैं, एक प्लानिंग बना रहे, जिस वजह से मे भी हो सकता है वे अपने आप को एक उलझन में महसूस कर रहे हैं, एक ऐसी पोजीशन में महसूस कर रहे हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए वो समझ नहीं पा रहे। टोटली मैं देख रही हूँ इस वक्त वो एक कंफ्यूज पोजीशन में आ गए, बहुत कुछ डिसाइड करना चाहते हैं वो इस वक्त, मैं देख रही हूँ बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं उनके माइंड में बार 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 बार, मे भी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कुछ सोच रहे। हो सकता है कोई ड्रीम देखा उन्होंने इस रिलेशनशिप को लेके, मे बी किसी भी चीज़ के बारे में ड्रीम हो सकता है, कोई ऐसे ड्रीम देखा जिसे वो फुलफ़िल करना चाहते थे, या फिर हो सकता है उन्होंने आपको कोई कमिटमेंट दिया हो जिसे वो फुलफ़िल करना चाहते थे, उसी कमिटमेंट के बारे में देख रही हूँ, किसी फ्यूचर की चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ज़्यादा सोचने की वजह से मे बी हो सकता है उनको एक तरीके से हेडेक हो गया, या फिर बहुत ज़्यादा वो उसी चीज़ के बारे में सोच रहे से एकदम उलझन में आ गए, एक अलून फील करने लगे, आपको एक अकेला सा महसूस करने लगे, अकेले बहुत सारी चीज़ों को डील करते करते वो एक ऐसा फीलिंग में आ गए कि वो सारी चीज़ें खुद से अकेले डील कर रहे, या फिर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और एक तरीके से टेंस हो गए बहुत ज़्यादा। मैं कह सकती हूँ कि इस वक्त मुझे एक बहुत ही ज़्यादा वरिड पोजिशन में दिखाई दे रहे, मे बी हो सकता है उन्होंने जो भी डिसीज़न लिया उससे बहुत ज़्यादा अपने हैप्पी है, यानी कि मैं देख सकती हूँ जो भी उन्होंने डिसीज़न लिया उससे वो टोटली मुझे हैप्पी दिखाई दे रहा है, यानी कि जो डिसीज़न उन्होंने लिया है उस पर उन्हें टोटली फेथ है, जो भी डिसीज़न लिया है मैं देख सकती हूँ इस वक्त उस डिसीज़न की वजह से आपके रिलेशनशिप में मैं देख सकती हूँ एक ट्रस्ट की डेवलपमेंट होगा, एक ऑनेस्टी वाली फीलिंग आएगी, यानी कि एक सपोर्ट का इंक्रीमेंट होगा आपकी रिलेशनशिप में, यानी कि जो कुछ भी उन्होंने सोचा है वो आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा ही सोचा है, आपके लिए अच्छा ही सोचा है, आपके लिए जो कुछ भी वो सोच रहे हैं, यानी कि ईस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड की एनर्जी में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है आपके लिए, यानी कि जो कुछ भी वो सोच रहे थे आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी में, यानी कि पॉजिटिव वाइब्स में है, अच्छा सोच रहे थे, लेकिन
मे बी हो सकता है किसी तरीके से किसी से उन्होंने गाइडेंस ली हो, वो गाइडेंस उन्हें एक मिस गाइडेंस हो गई जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए, उस कन्फ्यूज पोजिशन में अपने को थोड़ा सा टेंस में है, तो जिस वक्त वो टेंस्ड हो रहे हैं बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ वो आपके बारे में सोच रहे हैं, यानी कि आपसे रिलेटेड पास्ट के जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में सोच रहे हैं। मे बी पास्ट में हो सकता है आपके जो स्टार्टिंग डेज हो, जो कि मैं देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थे, मैं देख सकती हूँ जो मुझे पास्ट की एनर्जी मिल रही है आपके रिलेशनशिप के, मे बी मैं स्टार्टिंग टाइम की बात कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा मुझे एक ब्यूटीफुल एनर्जी मिल रही है, ब्यूटीफुल पॉजिटिव वाइब मिल रही है, और मैं देख रही हूँ वो उसी मोमेंट के बारे में सोच रहे हैं। मे बी ऐसा सोच रहे हैं कि वो पहले किस तरीके से हर फीलिंग आपसे शेयर कर सकते करते थे, मे बी हो सकता है इस वक्त किसी भी वजह से वो जो अपनी फीलिंग्स से टोटली अच्छे तरीके से आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं। मे बी हो सकता है किसी वजह से वो सोच रहे हैं उन्हें शेयर करनी चाहिए फिर नहीं करनी चाहिए, या फिर हो सकता है वो अभी आपसे शेयर नहीं करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है मे बी आपके जो पर्सन है मे बी रिसेंटली उनसे कोई आपसे डिस्टर्बेंस आ गया रिलेशनशिप में, जिस वजह से मे बी वो मैं देख सकती हूँ हो सकता है आपसे एक लॉस कॉन्टेक्ट में हो गया, यानी कि मे बी आपसे एक डिस्टेंस आ गया, जिस वजह से मैं देख रही हूँ वो आपसे शायद शेयर नहीं कर पा रहे, जिस वजह से वो आप ही को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपसे रिलेटेड पास्ट मेमोरीज़ को, हैप्पी मेमोरीज़ को, मे बी बहुत ज़्यादा एक अच्छे एक ऐसे टाइम को याद कर रहे हैं जब उनकी लाइफ में उन्हें ऐसा फील होता था कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ एक प्रोग्रेसिव वे में चल रहा था। तो बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ आपके बारे में ही सोच रही हूँ, आपसे रिलेटेड उनके जो भी मेमोरीज़ हैं जिस भी वजह से वो आपको मिस कर रहे हैं, एक हैप्पी मेमोरीज़ मैं देख सकती हूँ। मे बी हर वो चीज़ जो आपसे रिलेटेड थी उन्हें एक अच्छी लगती थी उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, एंड जो वेल्थ का कार्ड का कार्ड भी है हमारे पास, यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव कार्ड है, एक ऐसी एनर्जी को बता रहा है कि जो कुछ भी वो अपने रिलेशनशिप में हम कमिंग टाइम में चाहते हैं, कोई आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं या फिर कोई एक फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में, अगर हो सकता है कोई रिसेंटली कोई डिस्टर्बेंस आ गया रिलेशनशिप में, एक हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, किसी ने मिसगाइड किया हो किसी पर्सन ने, तो उसको वो दूर करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप में एक ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, यानी कि अपने प्रेजेंट को यानी कि अपने फ्यूचर को उतना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं जितना उनका और आपका जो पास्ट था वो ब्यूटीफुल था। बिकॉज मे बी हो सकता है रिसेंटली मुझे काफ़ी सारे चांसेस दिख रहे हैं इन सम केसेस कि कोई डिस्टर्बेंस आया था आपके रिलेशनशिप में, जिस वजह से हो सकता है आप लोग एक नो कॉन्टेक्ट जोन में चले गए हो, यानी कि आपके बीच बातचीत नहीं हो रही है, फिर हो सकता है आर्ग्यूमेंट हो गई हो, किसी भी वजह से हो सकती है, बट एक आर्ग्यूमेंट को मैं देख सकती हूँ किसी पर्सन की वजह से, तो हो सकता है इन सम केसेस आपके जो पर्सन है वो मूव ऑन हो गए हो, तो मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा हो सकता है वो आपकी लाइफ में कम बैक करना चाहते हैं, फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हो, रीयूनियन चाहते हो, या फिर आपको मे बी कोई आपसे कमिटमेंट दिया था या कोई आपसे प्रॉमिस किया था, मोस्टली मुझे ऐसा दिख रहा है एक प्रॉमिस कंप्लीट करना चाहते हैं वो, क्योंकि प्रॉमिस की वजह से अपने आप में एक बर्डन सा फील करे कि आपसे कोई प्रॉमिस किया था उसे फुलफिल नहीं किया है और जो प्रॉमिस है वो उनका इनकम्प्लीट रह गया है, तो इस वजह से मैं देख सकती हूँ मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस टाइम पर, और बहुत ही जल्द हो सकता है आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश भी करें, जिसके लिए वो हो सकता है बहुत ही ज़्यादा रिसेंट है कि इन फ्यू डेज आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये थी स्टोन वन के लिए रीडिंग, अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। अब हम सेकंड स्टोन की बात करेंगे, नाउ सेकंड स्टोन के लिए हम बात सीखेंगे क्या आपके जो पर्सन है वो आपको मिस कर रहे हो कि, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, मुझे पता चलता है कि आप लोग मुझे रीडिंग्स हैं उन्हें लाइक कर रहे हैं या फिर आपको पसंद आ रही है या फिर नहीं आ रही है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो रीडिंग्स हैं आपके साथ रेजोनेट होती हैं या फिर नहीं हो रही हैं, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा फॉर द फ्यूचर टेलीग्राम रीडिंग्स। ओके जरूर रीडिंग है गाइस, तो आप इसे जनरल तरीके से ही देखिए, एंड आप जो रीडिंग है वो क्रॉस वॉचिस भी हो सकती है, इट मे हैपन कि आपके साथ रेजोनेट हो सकती है या फिर आपके पर्सन के साथ भी रेजोनेट हो सकती है, सो अगर रीडिंग आपसे के साथ रेजोनेट होती है तो प्लीज़ तभी आप इन रीडिंग को देखिए। सो सेकंड स्टोन, जिस किसी ने भी ब्लू स्टोन लिया है स्टार्टिंग में ही इसको एक्सप्रेस करना बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगी मुझे दिख रहा है स्टार्टिंग में ही आपके जो पर्सन की फीलिंग आ रही है वे बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कि सैड वाइब आ रही है, यानी कि दुखी है किसी बात को लेकर आपके जो पर्सन है,
एक मैं कह सकती हूँ अलोन फील कर रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं। मे बी ऐसे नहीं कि उनके आसपास कोई फैमिली नहीं है, कोई फ्रेंड्स नहीं है, मे बी है उनके आसपास। मैं देख सकती हूँ बहुत सारे उनके रिलेटिव्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं। लाइक दिस कप्स बहुत सारे ऑप्शन है, बट मे बी वो सैड है अपने इन वाले कप्स के लिए। यानी कि मे बी हो सकता है आपके और आपके पर्सन के बीच में स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसे साइन मिल रहा है कि कोई डिस्टर्बेंस था पास्ट में, जिस वजह से आपके आपके पर्सन के बीच में आप लोग एक नो कॉन्टेक्ट जोन में चले गए, या फिर हो सकता है वो मूव ऑन हो गए हो और अब उस रीज़न की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा, मैं देख रही हूँ, एक वो सैड फीलिंग में, एक दुखी फीलिंग में, एक ऐसी फीलिंग में आ रहे, बर्डन वाली फीलिंग में, कि उन्होंने जो डिसीजन लिया वो उनसे मिस्टेक हो गया, यानी कि एक रॉन्ग डिसीजन ले लिया। मे बी उन्हें सोच समझ के वो डिसीजन लेना चाहिए था, या फिर ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। अगर ये आप रीडिंग रेजोनेट होती है तो ही आप इस रीडिंग को देखिए। एंड जो मुझे सबसे पहले एनर्जी मिल रही है वो ऐसी ही मिल रही है। और अब इस वक्त जो मुझे आपके पर्सन की फीलिंग आ रही है वो एकदम स्ट्रिक्ट होगा इन स्टैम्प पे, यानी कि बिल्कुल एक चीज़ उन्होंने डिसाइड कर ली और अब वो उससे बिल्कुल भी हटना नहीं चाहते, जो भी मतलब उन्होंने डिसीजन लिया है बिल्कुल भी। और इस वक्त आपकी जो पर्सन की मुझे एनर्जी मिल रही है वो 10 ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ सोल्स की एनर्जी मिल रही है, यानी कि आपने जो डिसीजन लिया है बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट है उस डिसीजन पे। यानी कि आपको कितनी भी गाइडेंस कोई नहीं देता, कोई भी कितना भी उन्हें कुछ समझा ले, अब वो जो भी उन्होंने डिसीजन लिया है वो बिल्कुल उस पर स्टक है। यानी कि अब उस डिसीजन को वो चेंज नहीं करना चाहते हैं, बार बार फ्रिक्वेंसी से उसे चेंज नहीं करना चाहते। अब उन्होंने एक डिसीजन ले लिया कि अपनी जो मिस्टेक है उसको उन्हें ठीक करना है, अपनी जो रिलेशनशिप है जिसमें उन्होंने एक मे बी हो सकता है अपने खुद से ही अपने चीज़ को डिस्टर्ब कर दिया, वो उसको खुद से मैं देख रही हूँ ठीक करना चाहते हैं। बहुत ही ज़्यादा मैं कह सकती हूँ एक सडन चेंज आएगा आपके लाइफ में, आपके रिलेशन में एक सडन चेंज आएगा। उस सडन चेंज में क्या होगा कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा आई कैन से, एक सेकेंड मे बी 1 मिनट, ये देखिए इन ऑल द कार्ड्स आई कैन से इन ऑल द 3 कार्ड्स मुझे एक सेम एनर्जी मिल रही है। आप भी देख सकते हैं इन द 3 कार्ड्स आई कैन से, यानी कि हॉर्सेस पे जो पर्सन है, इन द 3 कार्ड्स, 3 कार्ड्स ऐसा ही इंडिकेट करे कि पर्सन हॉर्सेस पे चढ़ के बिल्कुल रेडी है आगे मूव करने के लिए, अपने पर्सन के पास मूव करने के लिए। और जो पर्सन जहाँ मूव करना चाहते हैं वो इनके पास्ट का रिलेशन, यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, एक सपोर्टिव सपोर्ट रहता था हमेशा उनके पर्सन की तरफ से, एक अच्छा लविंग एंड केयरिंग पर्सन था उनका पास्ट का। और मे बी मोस्ट ऑफ द केसेस मुझे आपकी फीलिंग मिल रही है, आपके जो पर्सन है आपको इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आई कैन से होल डे वो आपको मिस कर रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा आप ही के बारे में सोच रहे हैं। 3-3 एनर्जीज़ मुझे ऐसी मिल रही है कि आपके जो पर्सन है वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, क्योंकि आपसे रिलेटेड जो उनकी पास्ट लाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी, और आप उनकी जो करेंट लाइफ जिसमें आप नहीं हो, मे बी किसी भी रीज़न की वजह से, हो सकता है अपने केयर पर इस वक्त वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे, अपने केयर को बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, उस वजह से हो सकता है रिलेशनशिप में उनको कोई डिस्टर्बेंस आ गया, वो बैलेंस नहीं कर पाए। मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा भी हो सकता है अपने कैरियर से रिलेटेड, या फिर हो सकता है अपने हेल्थ या फैमिली इशू से रिलेटेड ऐसा कुछ हुआ जिस वजह से अपने रिश्ते पर वो ध्यान नहीं दे पाए मे बी, और कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो गई, बट अब वो अपनी मिस्टेक को ठीक करना चाहते हैं। फिर मुझे क्वीन ऑफ वैंस की एनर्जी मिल रही है, कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो कंटिन्यूसली उनको गाइड करेगा, एक मिसगाइड करने की कोशिश करेगा। मे बी पता नहीं कि वो जो पर्सन है वो मिसगाइड करने की कोशिश कर सकता है, हो सकता है कोई फ्रेंड्स हो जो रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, लेकिन अब अपना जो प्रॉमिस उन्होंने पास्ट में किया था या फिर जो मिस्टेक उनसे हुई थी उसे कंप्लीशन देना चाहते हैं, अपनी चीज़ को कंप्लीट करना चाहते हैं, ट्रस्ट को मैं कह सकती हूँ डेवलप करना चाहते हैं रिलेशनशिप में, अपनी फ्यूचर को देख रहे हैं वो आपके साथ, ऐसा मैं कह सकती हूँ, सब कैसे आपको मिस कर रहे हैं, आप आपके साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं, जो भी फ्यूचर में हो सकता है, एक न्यू फ्रेश बिगनिंग हो, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो, मैरिज हो, कोई भी देख सकते हैं, हैप्पी लाइफ देख रहे हैं आपके साथ, और वो उसको फुलफिल करना चाहते हैं, एक न्यू विज़न देख रहे हैं, एक ऐसा नया नज़रिया है उनका देखने का आपके शिफ्ट। तो अब जब भी वो आपकी लाइफ में बैक आ रहे हैं या फिर आपका जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल ठीक है और आपके पर्सन अभी भी है, तो वो एक देख सकती हूँ मैं, एक उन्होंने न्यू डिसीजन लिया जिससे आपका जो रिलेशनशिप है उसमें स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ आने वाली है, गॉड का ब्लेस मिल सकता है। सो आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, इफ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल विद द फ्यूचर नोटिफिकेशन टिल द टाइम दे कैन हैव अ नाइस डे, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट मेरा मोटिवेशन होता है आपके चैनल सब्सक्राइब करने से, आपके लाइक करने से मुझे पता चलता है कि आपको ये रीडिंग पसंद आई या नहीं आई। सो प्लीज़ इट्स माई रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशन टिल द टाइम टेक एंड हैव अ नाइस डे।